जोधपुर आईजी कार्यालय की साइक्लोनर टीम ने ऑपरेशन बेंच वार्मर्स के तहत रीट 2021 पेपर लीक प्रकरण में 3 साल से फरार 25,000 रुपए की इनामी महिला को नागौर रोड पर खेड़ापा के पास गिरफ्तार कर लिया। वो अपने दोस्त के साथ कार में सीकर से लौट रही थी। राजस्थान की कार पर दिल्ली की नंबर प्लेट और फास्टैग गुजरात की कार का लगाया हुआ था। खेड़ापा थाने में धोखाधड़ी का मामला अलग से दर्ज किया गया है। रीट परीक्षा घोटाले में शामिल आरोपियों के वांछित आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए जो साइक्लोनर टीम ने जोधपुर रेंज की साइक्लोनर टीम ने ऑपरेशन बेंच वार्मर्स चला रखा है, उसके तहत आज एक और बड़ी सफलता हासिल हुई है। एक बड़ी आरोपी किरण पत्नी झुंझाराम निवासी बाड़मेर कल शाम में नाटकीय तरीके से लुकाछिपी का खेल खेलते हुए खेड़ापा इलाके में पुलिस के द्वारा साइक्लोनर टीम के द्वारा पकड़ी गई है। किरण की कहानी न माया मिली न राम ऊपर से हो गए बदनाम का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। फर्जी तरीके से इसने नौकरी हासिल करने की कोशिश की, इस गैंग के चंगुल में फंसी, गैंग का भाग बनी और उस चक्कर में दिन रात का चैन छूटा, घर छूटा, मोबाइल छूटा, पति से भी अलगाव हो गया और अब पुरुष मित्र के साथ रह रही थी, पुरुष मित्र के साथ भी अलगाव हो गया और अब जेल की सलाखों के पीछे आगे आने वाले दिन कटने हैं। आईजी रेंज विकास कुमार ने बताया कि रीट 2021 पेपर लीक के मामले में बाड़मेर निवासी किरण सिहाग आरोपी है। बालोतरा थाने में FIR दर्ज है। वो 3 साल से फरार थी और 25,000 रुपए का इनाम घोषित था। इस मामले में महत्वपूर्ण सुराग मिलने के बाद साइक्लोनर टीम तलाश में लग गई। जिस तरीके से इस घोटाले में 3 साल पहले कोशिश हुई थी कि फर्जी कैंडिडेट डमी अभ्यर्थी बिठाकर और उसके माध्यम से परीक्षा को प्रभावित करके गलत लोगों को गलत तरीके से फायदा देने का प्रयास हुआ था, उसी समय पुलिस ने इसको नेटवर्क को बस्ट कर दिया था। पर ये सब बड़े आरोपी जो हैं बहुत दिन से भाग रहे थे। 3 साल से किरण फरार थी, 25,000 रुपये का इनाम था इस पर। ये कभी बाड़मेर, कभी बालोतरा, कभी सांचौर, कभी जोधपुर, जोधपुर के अलग अलग मोहल्लों में, गलियों में, अलग अलग इलाकों में रहती रही और अभी जब साइक्लोनर टीम की दबिश बढ़ी थी तो ये भागकर सीकर पहुंच गई थी फतेहपुर इलाके में और वहां से फिर ये अपने पुरुष मित्र के ठिकाने पर खेड़ापा में छुपने की लिहाज से आई थी, जिस पर लगातार पीछा करते हुए साइक्लोनर टीम ने गिरफ्तार करने में सफलता अर्जित की है। इनके पास से जो गाड़ी मिली है पुलिस को गच्चा देने के लिए, साइक्लोनर टीम को गच्चा देने के लिए, इन्होंने राजस्थान नंबर की गाड़ी थी उस पर दिल्ली का नंबर प्लेट लगा रखा था और जो फास्टैग था वो गुजरात की गाड़ी का लगा रखा था। इस बीच उसके अपने दोस्त के साथ दिल्ली नंबर की कार में सीकर से जोधपुर आने की सूचना मिली। SI प्रीतम चौहान के निर्देशन में SI देवाराम और हेड कांस्टेबल महेंद्र कुमार और गजराज सिंह की टीम ने खेड़ापा के पास तलाश शुरू की। दिल्ली नंबर की कार आती नजर आई तो उसे रोका गया। उसमें सवार किरण और दोस्त दिनेश को पकड़ा गया। पेपर लीक में वांछित होने के चलते किरण को बालोतरा पुलिस को सौंप दिया गया। पूछताछ के बाद बाड़मेर जिले में सेड़वा थाना अंतर्गत केकड़ गांव निवासी किरण को गिरफ्तार किया गया। खेड़ापा थाने में फर्जीवाड़ा का मामला अलग से दर्ज कर खेड़ापा थाना अंतर्गत बिरसालू कल्ला गांव निवासी दिनेश को भी गिरफ्तार किया गया। वो आरोपी महिला किरण का दोस्त है। तो जब इनको गिरफ्तार किया गया तो इनके पास जो गाड़ी थी वो राजस्थान नंबर की थी, उस पर इन्होंने दिल्ली का नंबर प्लेट लगा रखा था और जो फास्टैग इस्तेमाल किया जा रहा था वो गुजरात के नंबर का था ताकि पुलिस को गच्चा दिया जा सके। पर साइक्लोनर टीम ने अपने पेशेवर प्रतिबद्धता के आधार पर इनकी सारी कड़ी से कड़ी सुलझाई और इनको पकड़ा और इस तरह के सारे फरार कुख्यात वांछित जो अपराधी हैं उनके लिए हम लोगों का एक बड़ा स्पष्ट सा संदेश है कि हर दिन घबरा कर कच्ची नींद से जागोगे और तुम पुलिस से कब तक भागोगे, आना तो पड़ेगा ही। तो इसलिए बेहतर यह है कि अपराध का रास्ता छोड़ें, अपराध से तौबा करें, समाज की मुख्य धारा में शामिल होने का प्रयास करें, अपने किए के लिए पछतावा करें, अपने किए की सजा भुगतें और समाज की मुख्य धारा में फिर से शामिल हों। पुलिस का कहना है कि किरण ने 8 लाख रुपए में रीट के पेपर का सौदा किया था। मामला उजागर होने पर ससुर ने फटकार लगाई थी, उसे घर से निकाल दिया था। उसने झालामंड में फरारी काटी। खेमे का कुआं, सारण नगर, भुनिया, खोकरिया, बाड़मेर के बलदेव नगर, रामनगर, फतेहपुर में पनाह ली थी। पेपर लीक में फंसने के बाद उसकी पढ़ाई के साथ साथ मोबाइल और घर छोड़ दिया। पति का साथ भी छूट गया। अब पकड़े जाने के बाद दोस्त भी अलग हो गया।